अगली पीढ़ी बुढ़ापे से बचपन की तरफ, जो 60 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, उनके लिए मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद की आने वाली पीढ़ी को शायद ही इतने बदलाव देख पाना मुमकिन हो। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बेरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग, वर्चुअल मीटिंग जैसी नामुमकिन लगने वाली बहुत सी चीज़ों को मुमकिन होते हुए देखा है। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने कई कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर नानी दादी से परियों और राजाओं की कहानी सुनी है, ज़मीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डालकर चाय भी पी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदान में अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम आखिरी पीढ़ी के वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात डिबली, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है। हम वो पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बातों को खतों द्वारा आदान प्रदान किए हैं और उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों तक का इंतज़ार किया है। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन और बिजली के बिना ही जिंदगी गुजारी है। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज़्यादा तेल लगाकर स्कूल या शादियों में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात से सेठे के पेन से कॉपी लिखा करते थे, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीला किया करते थे, तख्ती पर सेठे के कलम से लिखकर तख्ती धोई है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मास्टर जी से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर मार खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत डरने की हद तक करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफ़ेद कैनवास शूज पर चौक पेंसिल का पेस्ट लगाकर उन्हें चमकाया करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जो गोदरेज सोप की गोल डिबिया से साबुन लगाकर शेव बनाई है, गुड़ की चाय पी है, रोज सुबह सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफ़ेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है और कभी कभी तो नमक, सरसों का तेल और लकड़ी के कोयले से नीम व बबूल की दातून में लगाकर दांत साफ किए हैं। हम यकीनन ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, अमीर सियानी का बिनाखा गीतमाला और हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत से सुना करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जब शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफ़ेद चद्दर बिछा कर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा 10-15 लोगों को हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछा करती। डब्बों जैसे कमरों में कूलर एसी के सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं। हम आज के भारत की एकमात्र वो पीढ़ी बचे हैं जिसने अपने माँ बाप की बात भी मानी और बच्चों की भी मान रहे हैं। शादी में बफेट खाने में वो आनंद नहीं जो पंगत में आता था, जैसे सब्जी देने वाले को गाइड करना, सब्जी हिला के दें, उंगलियों के इशारे से दो लड्डू और गुलाब जामुन मांगना, पूरी छाट छाट के और गरम गरम लेना, पास वाले रिश्तेदार के पत्तल में जबरदस्ती पूरी रखवाना, रायते वाले को दूर से आता देखकर फटाफट रायते का दोना पीना, पहले वाली पंगत कितनी देर में उठेगी उसके हिसाब से बैठने की पोजीशन बनाना और आखिरी में पानी वाले को खोजना। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्ज, अकेलापन वे निराशा में खोते जा रहे हैं और हम इस सदी के वो बदनसीब लोग बचे हैं जो रिश्तों में मिठास की जगह खटास महसूस कर रहे हैं। आज के इस कोरोना काल में पारिवारिक रिश्तेदारों, बहुत से पति पत्नी, बाप बेटा, भाई बहन को भी हमने एक दूसरे को छूने से डरते हुए देखा है। रिश्तेदारों की तो बात ही क्या करें, खुद आदमी को अपने ही हाथ से अपने ही नाक और मुंह को छूने से डरते हुए भी देख रहे हैं। अर्थी को बिना चार कंधों के शमशान घाट पर जाते हुए देख रहे हैं। पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्निदाह लगाते हुए देख रहे हैं। यकीनन हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जो पहले वी में जिया करते थे और आज आई में जीते हैं।